आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फतेहपुर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, बड़ी खबर सामने आ रही है। डिबेट कार्यक्रम में एक दूसरे पर चलाई बेल्ट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सदर कोतवाली के पटेल नगर चौराहे का मामला सामने आ रहा है, जहां दो लोग भिड़ गए। फतेहपुर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर सामने आ रही है। डिबेट कार्यक्रम में एक दूसरे पर चलाई बेल्ट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सदर कोतवाली के पटेल नगर चौराहे का मामला बताया जा रहा। फतेहपुर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। फतेहपुर में प्राइम टीवी की खबर का हुआ असर, नहर में पानी आने से किसानों के खिले चेहरे। पानी मिलने से आसानी से होगी सिंचाई, निचली राम गंगा नहर में आया पानी। फतेहपुर में प्राइम टीवी की खबर का हुआ असर, नहर में पानी आने से किसानों के खिले चेहरे। पानी मिलने से आसानी से होगी सिंचाई, निचली राम गंगा नहर में आया पानी। लखनऊ में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, डंडे के बल पर टैक्सी चालक से हुई वसूली। रोजाना टैक्सी से वसूले जाते हैं 10 रुपए, शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। थाना मड़ियावा के सामने की घटना, लखनऊ में दबंग के हौसले हुए बुलंद, दबंगों की दबंगई देखने को मिली। डंडे के बल पर टैक्सी चालक से वसूली, रोजाना टैक्सी से वसूले जाते हैं 10 रुपए, शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। थाना मड़ियाओं के सामने की घटना, लखनऊ में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डंडे के बल पर टैक्सी चालक से वसूली का मामला आया सामने। रोजाना टैक्सी से वसूले जाते हैं 10 रुपए, शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। थाना मड़ियाओं के सामने की घटना, लखनऊ में जमकर बरसे भाजपा अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा पर साधा निशाना। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर सपा पर बोला हमला, सपा नेताओं पर बलात्कार के बाद भ्रष्टाचार के भी लगाया आरोप। टोपी तो लाल थी ही, अब चेहरा भी डर से लाल है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।